दिल्ली कूच को आतुर किसान दूसरे दिन भी अंबाला के शंभू और कैथल के खनौरी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में डटे रहे। किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, पर पुलिस के कड़े बंदोबस्त यहां देखने को मिल रहे, किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि अगर पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री ले लेते हैं तो प्रदेश के किसान अपने ट्रैक्टर्स पर उनकी ढाल बनने को तैयार बैठे हैं। सूत्रों से यह भी बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को सरकार किसान नेताओं से फिर बातचीत कर सकती है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरे से वापस आने का इंतजार है। जय जवान जय किसान वाले देश में हालात फिर ऐसे हैं कि जवान और किसान आमने सामने हैं। किसान नेताओं और सियासत के नेताओं की वार्ता विफल होने के बाद दिल्ली कूच को बेचैन किसानों को पुलिस ने दूसरे दिन भी अपने फुल प्रूफ इंतजामों के कारण पंजाब में ही रोका हुआ है। दरअसल पंजाब सरकार सख्ती इसलिए नहीं कर रही कि किसान वहां से हरियाणा होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, और सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार को आदेश है कि किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देना है, इन्हें वहीं रोके रखो। इसलिए हरियाणा पुलिस और सरकार इनकी हरियाणा में एंट्री नहीं होने दे रही। सूत्र बता रहे हैं कि मौजूदा हालात में संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान संगठन अभी आंदोलन के साथ नहीं थे, अब वो भी आंदोलन में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन हरियाणा चढ़ूनी गुट ने बृहस्पतिवार को अपने प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। पीछे भी सरकार ने वादे किए थे उनसे ही मुकरी है, जो बिल्कुल गलत है, और हम पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में हैं, पंजाब के किसानों के साथ में हैं। और दूसरा जो है, कल हमने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। मेरा सभी अपने पदाधिकारियों से कहना है कि केवल पदाधिकारी आए, क्योंकि जहां विचार विमर्श करना होता है वहां जो है वो सूझवान लोग ही बातचीत कर सकते हैं। अभी ताजा हालात ये है कि पंजाब की तरफ से हजारों किसान शंभू बॉर्डर अंबाला और पंजाब के खनौरी कैथल बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जमा हैं। कुछ पैदल ही खेतों के रास्ते हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं। बुधवार को पंजाब हरियाणा के किसानों और मजदूर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली कूच पर आमादा होने, सरकार से या तो मांगे मान लेने या फिर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए उन्हें दिल्ली जाने देने की मांग की है। पहले दिन की झड़पों में 100 से ज्यादा किसान और 2 दर्जन पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। कही है उसको मैं दोहराते हुए यही कहूंगा कि हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करें जिससे यह सुनिश्चित हो कि समस्या का समाधान भी हो, लोगों की कठिनाई भी ना हो, और प्रगति के रास्ते पर हम देश को आगे लेकर के चले। हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो MSP का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली कूच के प्रयासों के दूसरे दिन ये भी सामने आया कि दिल्ली पहुंचने के लिए किसान नेताओं ने उन युवा किसानों की टुकड़ियों को आगे कर दिया है जो पिछले आंदोलन में आगे बढ़े थे। ऐसे कुछ युवा आगे के रास्तों और बैरिकेटिंग का जायजा ले रहे हैं कि शंभू बॉर्डर को जबरन लांग भी ले तो रास्ते में और कहां कहां दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट सभी खाप प्रधानों से बात करने के बाद, भले ही सरकार ने इक्का दुक्का प्रधानों से अपने हक में कोई बात बयान दिलवाया है, वो सरकारी प्रधान हो सकते हैं, खापों के जनरल प्रधान हरियाणा के ऐसे नहीं है। किसान आंदोलन के साथ हैं, जिस प्रकार से 2020 में किसानों ने साथ दिया था, आज कंप्लीटली हरियाणा में ट्रैक्टर तैयार कर लिए गए हैं। जैसे ही ये किसान इधर से आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा हरियाणा शंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर में साथ होगा, और उसकी खाने पीने की रहन की
आगे इज्जतदारी की जिम्मेवारी हरियाणा की है। हालांकि एक नई डेवलपमेंट ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति भी कूद गई है। इसके राष्ट्रीय संयोजक ने खुलासा किया कि पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री कर जाते हैं तो हरियाणा के किसान ट्रैक्टर्स पर सवार होकर पंजाब के किसानों की ढाल बनेंगे। यानी संकेत है कि अभी तक आंदोलन से दूरी बनाए किसान संगठन भी अब जल्द आंदोलन में कूद सकते हैं। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।